हेलो एवरीवन, हम सब्सिडियरी बुक्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 172 पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं सब्सिडियरी बुक्स के। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू दोज, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। देखिए, लेट्स रीड द सम। Prepare two column cash book from the following transaction for the year July 2018. हमें two column cash book बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे proper format बनाएंगे double column cash book का। देखिए, receipts payment side ऐसे आप proper लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, हमें यहाँ पे नाम नहीं पता है तो बस यहाँ पे हम ऐसे डैश कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन बाय वन क्या है ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो हमें ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस हमें क्या करना है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक बुक। तो यहाँ पे हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो, कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट ही होता है, हमने देखा है। बैंक का बैलेंस इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी हैव टू अज्यूम दिस इज डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17,500 and 5,000। वॉट इज द डेट, 2018 जुलाई फर्स्ट। ऑल राइट, आगे परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000 रुपीज। अगर हमने परचेजेस किए तो कैश बिजनेस में आया या गया, कैश बिजनेस से बाहर गया, मतलब पेमेंट साइड। तो मुझे ये तो पक्का पता है दैट ये पेमेंट साइड पे आने वाला है। ठीक है, और एंट्री क्या आएगी परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। तो पेमेंट साइड पे चलते हैं और कैश कॉलम में हमें लिखना है 3,000 रुपीज। ठीक है, और यहां पे हम लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट, नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश परचेजेस मेड या ओनली परचेजेस मेड इज ऑल्सो ऑल राइट। परचेजेस मेड, व्हाट इज द डेट, 2018 जुलाई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण। अभी देखिए, ये चेक के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हियर वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज अ बेरर चेक। ठीक है, अगर अलग से नहीं कुछ भी दिया हुआ, वी हैव टू अज्यूम इट इज अ बेरर चेक। और हमने देखा हुआ है बेरर चेक क्या होता है, इट इज एज गुड एज कैश। तो यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण रहता था, तो हम क्या करते थे, कैश का बैलेंस बढ़ता था, राइट। एंट्री क्या होती थी रिसीव साइड पे, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण 10,000 रुपीज, राइट। तो मैं रिसीव साइड पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं कैश कॉलम में, यहाँ पे देखो कैश कॉलम में मुझे 10,000 लिखना है। बी वेरी वेरी केयरफुल, इवन दो दिस इज अ चेक, आई हैव टू अज्यूम दैट दिस इज अ बेरर चेक, और बेरर चेक इज एज गुड एज कैश। तो मैंने जब मिला मुझे, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, नरेशन बीइंग बेरर चेक रिसीव। Understood? Okay. आगे sold goods for cash, goods बेचे हैं और हमें cash मिला है, तो ये entry कहाँ पे दिखेगी, cash मिला तो receipt side पे दिखेगी, right? तो cash column में receipt side पे 8,000 रुपीज मुझे दिखना है, कैश कॉलम में 8,000 रुपीज ऑन द रिसीट साइड। ये मुझे क्यों मिला, बिकॉज मैंने कैश में सेल्स किया, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पे लिख दूंगा टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सेल्स मेड या बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, नेक्स्ट, अरुण्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नाउ यहां पे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जो बेरर चेक पहले मिला था वो कितने का था, 10,000 रुपीज का। तो
तो ये जो 10,000 रुपीज का चेक है वो अभी हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज अ कैश दैट वी आर डिपॉजिटिंग बिकॉज इट इज अ बेरर चेक। ओके, तो एंट्री क्या आएगी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इजंट इट? सो बैंक को हम डेबिट करेंगे और कैश बिजनेस से बाहर गया। कैश का बैलेंस कम करना है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो दिस बिकम्स आर कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दोनों भी अफेक्ट होते हैं और ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं। तो दिस इज आर कॉन्ट्रा एंट्री। तो वन बाय वन हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है। तो हियर आई एम गोइंग इन बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट 10,000 रुपीज। बैंक का बैलेंस बढ़ गया, क्यों बढ़ा? कैश के वजह से। सो टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग चेक डिपॉजिटेड। यहां पे सी लिखेंगे फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, राइट? और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, देखो टू कैश है, सो कैश कॉलम में क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे मुझे लिखना है, पेमेंट साइड कैश कॉलम 10,000। नाउ हियर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंश्योर दैट आप प्रॉपर कॉलम में अमाउंट्स लिख रहे हो। 10,000 लिखा, ये कहां से आया? बैंक के वजह से। तो बाय बैंक अकाउंट सी बीइंग कैश डिपॉजिट बीइंग चेक डिपॉजिटेड। बहुत अच्छी से समझ गया कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे लिटिल ट्रिकी होता है बच्चों, बट इफ यू डू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आगे, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, कितना अमाउंट है? 20,000। पेमेंट कहां से हुआ? चेक से हुआ। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैंक का बैलेंस कम होगा, तो हमें पेमेंट साइड पे जाना है, बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे। बैलेंस कम हुआ तो पेमेंट साइड पे, राइट? यहां पे मुझे लिख देना है 20,000, करेक्ट? ये 20,000 क्यों कम हो गए? बिकॉज आई परचेज गुड्स। अगर मैंने गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या आती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं यहां पे लिख दूंगी बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड या बीइंग परचेजेस मेड। नेक्स्ट क्या है, देखो पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक 1,000 रुपीज। कोई भी पेमेंट है तो मेरे क्रेडिट साइड पे जाने वाला है। अभी ये बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में इसका इफेक्ट होगा। अमाउंट कितनी है? 1,000 रुपीज। और किसके वजह से हो रहा है ये पेमेंट? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या आएगी? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख देती हूँ 1,000 रुपीज। यहाँ पे मैं लिख दूं बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, नरेशन बीइंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेड। ओके, नेक्स्ट कैश सेल्स है 7,000 रुपीज का। देखिए मैं एरो बना रही हूं, 7,000 रुपीज का कैश सेल्स है। नाउ दिस इज वेरी इजी, कैश में कुछ बेचा, कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो रिसीट साइड पे मुझे 7,000 लिखना है। रिसीट साइड पे कैश कॉलम में, देखिए ये कैश कॉलम है, मैं रिसीट साइड पे लिख रही हूं 7,000। कहां से आया पैसा? गुड्स बेच के। तो टू सेल्स अकाउंट, यहां पे मैं लिख दूंगी बीइंग गुड्स सोल्ड, करेक्ट? आगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। अगेन व्हेनेवर वी डिपॉजिट अमाउंट इनटू बैंक, एंट्री क्या होगी? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, कैश का बैलेंस कम होगा तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इट इज 10,000 रुपीज। देखिये ये वाली एंट्री आएगी हमारी। दिस इज अ
कॉन्ट्रा एंट्री, तो पहले बैंक के डेबिट साइड पे जाते हैं, मतलब रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज, बैंक कॉलम में 10,000, कहां से आया, कैश है ये, सो कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज कैश का बैलेंस तो कम हो गया ना ये करके, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कैश अकाउंट मतलब ये कैश कॉलम में, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,000 रुपीज, क्यों कम हो गया, बिकॉज बैंक में पैसा गया, सो बाय बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ओके आगे देखते हैं अभी क्या है, पेड जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट इज 500, कोई भी पेमेंट है कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, सो कैश कॉलम के क्रेडिट साइड पे मैं 500 रुपीज लिख देती हूँ, देखिए कैश कॉलम में जाऊंगी मैं क्रेडिट साइड पे एंड आई एम राइटिंग 500 रुपीज, दिस इज अ पेमेंट, आई नो दैट, अभी ये पेमेंट क्यों हुआ, जनरल एक्सपेंसेस, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन द 24th, तो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, करेक्ट, रेशन बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड, ओके नेक्स्ट, received commission by cross check 6,000 rupees. Now we know that अगर cross check होता है तो हमारा bank account affect होता है, अगर ये पैसा मिला है bank में पैसा मिला तो bank को हम करेंगे debit, और ये क्यों मिला है, commission के लिए मिला है, तो entry हमारी क्या आएगी, bank account debit to commission, तो bank के receipt side पे चलते, bank column के receipt side पे हम लिख देंगे 6,000 rupees, और ये क्यों मिला है, कमीशन के वजह से, टू कमीशन, नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ऑलराइट लेट अस स्टिक हियर, देखिए जनरली कॉमन मिस्टेक डबल कॉलम कैश बुक में क्या होती है बच्चों, हम कॉलम्स को मिक्सअप कर देते हैं, कैश की अमाउंट बैंक कॉलम में, बैंक की अमाउंट कैश कॉलम में, और हमारे बैलेंसेस ही टैली नहीं हुए, ठीक है, सो प्लीज 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 मेक एन एफर्ट टू चेक आप कौन से कॉलम में कर रहे हो रिकॉर्डिंग, ठीक है, जस्ट इट विल टेक वन सेकेंड, इसलिए मैं हमेशा ऊपर चेक करती हूँ, कैश कॉलम है ना, बैंक कॉलम है ना, ये चेक करो एंड देन राइट द अमाउंट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट 2,000 रुपीज, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे मैं 2,000 रुपीज कैश के लिख देती हूँ, देखो कैश कॉलम में आई एम गोइंग टू राइट 2,000 रुपीज, ठीक है, ये क्यों हुआ मेरा पेमेंट, आई हैव पेड रेंट, तो मेरे एंट्री क्या आती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन द 29th, मैं यहां पे लिख दूंगी बाय रेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग रेंट पेड, ओके आगे, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,200, कैश बिजनेस से बाहर गया, तो पहले तो मैं कैश कॉलम में 1,200 लिख देती हूं यहां, ठीक है, कोई भी अगर पेमेंट हो गया जिसके वजह से कैश का बैलेंस कम हो गया, आई हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, अभी क्या है रीजन क्या है कम होने का, बिकॉज इट हैज बीन विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब भी कैश विड्रॉ होता है तो क्या एंट्री होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, तो अभी मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा बाय ड्रॉइंग्स, और आई एम गोइंग टू राइट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट being cash withdrawn for personal use,
देखिए बच्चों, मैंने सारे जर्नल एंट्रीज कवर किए हैं, ये सारे बहुत ही डिटेल में मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें गो टू द चैप्टर ऑफ जर्नल एंड चेक आउट ऑल द लेक्चर्स, आपके सारे जो बेसिक्स है जर्नल के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बिलीव मी। तो प्लीज गो एंड चेक आउट, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेजेस पेड 6000, अगेन पेमेंट है, तो मैं पहले तो पेमेंट साइड पे जाती हूँ कैश कॉलम में और 6000 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया 6000 बिकॉज कैश का बैलेंस तो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमने क्या पे किया, वेजेस, तो एंट्री क्या आएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे मुझे अभी जाना है पेमेंट साइड पे और यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय वेजेस अकाउंट, नरेशन बीइंग वेजेस पेड, राइट। अभी क्या बचा, बस अभी सारे ट्रांजैक्शंस हो गए रिकॉर्ड, अभी मुझे कैश और बैंक कॉलम्स की टोटल करके बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मेरे कैश कॉलम की रिसीट साइड की टोटल आ रही है 42,500। आई नो दैट कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, तो मैंने यहाँ पे डेबिट बैलेंस की टोटल दोनों भी साइड पे लिख दी, ठीक है। एंड नाउ आई हैव टू सी व्हाट इज द टोटल ऑफ माय क्रेडिट साइड, 42,500 डेबिट साइड की टोटल है और क्रेडिट साइड की टोटल मेरी आ रही है 32,700, तो जो बचा दैट इज माय बैलेंस, कितना बच रहा है 9,800, दिस आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन माय कैश कॉलम, यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। वैसे ही अभी बैंक कॉलम की हम टोटल लेते हैं, बैंक में डेबिट साइड की टोटल है 31,000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 21,000, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 31,000 लिख देती हूँ पहले, तो रिसीट साइड इज मोर, करेक्ट। कितने से ज्यादा है यहाँ पे देखो 10,000 रुपीज, तो मेरा बैलेंस यहाँ पे आएगा 10,000, ओके। और अभी अगले महीने की शुरुआत में मुझे लिखना है यहाँ पे April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 9,800, ऑलराइट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि ऐसे आप डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हो। सारे कॉन्ट्रा एंट्रीज भी आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं, आई होप। कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।